बात तो यही है, लेकिन सामान अपना लाना पड़ता है। आज वो ड्राई डे था ना, इसलिए मैंने कल ही सामान ले लिया था। आपका भी पहला दिन है, और करो करो एंजॉय करो एंजॉय। यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं पूछता, जाओ जाओ। यार ब्रजेश, हाँ जी यहाँ मेरे को किसी ने बताया था कि जेएमसी ने बार खोली है। जीएमसी ने? हाँ, कह रहा है पिछले 10 साल से चल रही है। और भैया आपको कोई गलत फहमी होगी, जीएमसी बार नहीं बनाता। और नहीं यार, यही लोकेशन बताई थी उसने, 2-3 दिन से लगातार फोन कर रहा है। कहाँ, कह रहा है यहीं पर है जीएमसी की बार खुली हुई है, बड़े लोग आते हैं यहाँ पर। और ये आपके पीछे क्या है? वो देखो क्या भैया, ये तो जेएमसी का पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। शायद यही यही होगा। इधर दिखा, हाँ ये देखा। आजा ब्रजेश, अंदर जाके देखते हैं यार। इधर आ, जेएमसी का ओपन। ओए ये जेएमसी का बार यही है? बार तो यही है, लेकिन सामान अपना लाना पड़ता है। मतलब यहाँ सामान नहीं मिलता। अच्छा, आप कब से आ रहे हो यहाँ? मेरा तो आज पहला दिन है, मेरे दोस्त आते हैं। अच्छा, नीचे आओ। आज वो ड्राई डे था ना, इसलिए मैंने कल ही सामान ले लिया था। आपका भी पहला दिन है, और करो करो एंजॉय करो एंजॉय करो। आपने भी सामान ले लिया होगा, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं पूछता, जाओ जाओ। सच में यही है फिर? वो बाहर जिसकी हम बात कर रहे थे, अंदर का दृश्य भी आपको दिखाता हूँ। तो ये है जेएमसी का पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, और इसकी हालत देखिएगा, पूरी तस्वीरें आप देखिए। अंदर नशे की चीजें धड़ल्ले से लोग करते हैं, और वो चीजें यहाँ पर पड़ी भी हुई हैं, शराब की बोतलें हैं, और इसके अलावा जितना भी नशा होता है, जिसे हम चिट्टा भी कहते होंगे, वो भी लोग यहाँ पर आकर उसका भी नशा करते होंगे, और यहाँ कोई नहीं आता। इस हिसाब से ये चीजें हमें अभी मालूम हुई है। कल से ही हमें यहाँ से बताया जा रहा था कि यहाँ आकर कवरेज करिए, बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। और सारी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, बोतलें यहाँ पर है, नशे की चीजें यहाँ पर है, और कोई नहीं आता, कोई सुध नहीं लेता। और ये आज से 10 साल पहले 2023 चल रहा है, और 2013 में इसका काम शुरू हुआ था। बाहर आप नेम प्लेट भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसका काम शुरू हुआ था और तब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, लेकिन ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये दीवारें आप देख सकते हैं, अंदर अलग अलग कैबिन बना दिए गए हैं, शायद वो नशेड़ियों के लिए है कि भाई तेरी ये जगह है, मेरी ये जगह है, तेरी ये जगह है। रोज आते होंगे, नशा करके निकल जाते होंगे। तो ये काम है यहाँ पर जो किया गया है, लास्ट मोड़ की ये हाईवे है, साथ में उसके बिल्कुल टर्न करते ही लास्ट मोड़ में वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, रोड को लेकर, इस तरह के टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को लेकर, जो ट्रैफिक विभाग को लेकर, जो लाइटें लगानी है उसको लेकर, बोर्ड्स को लेकर, यानी कि जितने काम है वो सब किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट किया जा रहा है जम्मू हमारा। लेकिन 10 साल पहले बन रहा ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो है, वो अब भी ये सोच रहा होगा कि क्या मैं जम्मू में स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं आता हूं। यहाँ जो नेम प्लेट लगी है वो रमन भल्ला जी की लगी है, जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नेम प्लेट पे भी लिखा है। चलिए वो नेम प्लेट, अब नेम प्लेट की बात करते हैं, उसके बाद ये पूरी चीजें आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह का काम जो है वो लगातार जम्मू में होता हुआ दिखता है। ये देखिएगा, ये वो नेम प्लेट है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मेन स्टॉप गांधीनगर, फाउंडेशन स्टोन लेड बाय श्री रमन भल्ला, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग हॉर्टिकल्चर एंड कल्चर J&K स्टेट, तब स्टेट थी, 26/4/2013, यानी कि वही 10 साल हो चुके हैं। कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय, ये ध्यान रखिएगा, लक्ष्य सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन J&K स्टेट ब्रांच, इनको ये काम दिया गया था कंस्ट्रक्ट करने का और मेंटेन करने का। लेकिन 2013 के बाद 2014 की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन इसका काम वहीं पर अधूरा लटक गया। अब जिन्हें कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए दिया गया था, वो कहाँ है ये वही जाने। रमन भल्ला जी ने तो काम शुरू करवाया था, लेकिन अब उनकी सरकार उसके बाद रही नहीं, तो शायद आगे की सरकार ने ये सोचा होगा, ये उन्होंने काम शुरू किया है, जब उनकी अगली सरकार आएगी, जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, वो मिनिस्टर बनेंगे तो पूरा काम कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन अगर आप जम्मू को पूरे तरीके से स्वच्छ बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो आपको एक एक पहलू पर, एक एक चीज पर पूरे तरीके से काम करना होगा, जिससे यहाँ पर 10 सालों से ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो बन रहा था आम जनता के लिए,
पैसा भी लगाया गया, उस समय पैसा लगा है क्योंकि पूरे तरीके से ये बना है, बाकी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये हिसाब आप लगा सकते हैं कि किस तरह का स्मार्ट सिटी जम्मू में बन रहा है। बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन जो गलत है उस ओर ध्यान भी देना बहुत जरूरी है और वो हाईलाइट करनी बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी चीजें गलत दिखाई देती हैं वो हम हाईलाइट करने के लिए आ रहे हैं, आम जनता को भी बता रहे हैं और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी बताना बहुत जरूरी है कि ये भी है भाई स्मार्ट सिटी में। मेन स्टॉप गांधीनगर है, वहां पर ये हाल है। और सबसे बड़ी बात, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, जिस नशे को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, एलजी प्रशासन काम कर रहा है, हर कोई संगठन जो है वो काम कर रहा है कि नशे को रोकना बहुत जरूरी है, नशे को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि वो युवाओं को पूरे तरीके से खोखला और खत्म कर रहा है। और यहाँ पर कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। जितने भी नशेड़ी शायद यहाँ पर जरूर आते होंगे, क्योंकि नशेड़ियों को तो पता चल ही जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, नई जगह ढूंढनी है और ये जगह उन्हें मिल जाती होगी। तो अगर अभी भी आपको नहीं मालूम था तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ आइए, इस पर काम करिए। ये यहाँ पर जो जंगल पूरा देख रहे हैं इसे हटाइए और इसे पूरे तरीके से कंस्ट्रक्ट करिए, या फिर इसे डिमोलिश करके यहाँ पर साफ सफाई करिए, क्योंकि ये हाल है जम्मू में। जो ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर मैं कहूंगा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि नेम प्लेट पे उन्हीं का लिखा हुआ है और कंस्ट्रक्शन मेंटेन जो है लक्ष्य सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी नाम लिख दिया है, तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो जम्मू के हितों के लिए काम करती है। तो यहाँ पर आपकी नेम प्लेट है भाई, अब रमन भल्ला जी के नेक्स्ट मिनिस्टर बनने का इंतजार मत करिए। आप अगर हैं यहाँ पर तो आप देखिए, इस पर ध्यान दीजिए और एक काम करिए, और ये जो नशेड़ी अड्डा बनाया है इसे यहाँ से साफ करवाइए।